तो एज यू कैन सी एंड यू कैन टेल कि भाई कंटेंट की कमी हो रखी है, इसलिए 6 दिन तक वीडियो नहीं आया और एक हफ्ते बाद सिनेफ्लैश के एपिसोड 3 के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहले आज ही के दिन किंग नागार्जुना की अपकमिंग मूवी नासामी रांगा का फर्स्ट ग्लिम्स ड्रॉप हो चुका है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है एंड टू बी ऑनेस्ट इसका फर्स्ट ग्लिम्स देखने में ठीक ठाक था, कुछ ऐसी अलग सी वाइब नहीं है जिसके लिए आप हाइप हो। लेकिन भाई नागार्जुना सर का लुक जो है वो बहुत सही तरीके से क्रिएट किया गया है, मतलब देख के लगता नहीं है कि भाई बंदे की एज इतनी ज्यादा होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस ग्लिम्स को खाली तमिल लैंग्वेज में ड्रॉप किया गया है और कोई कैप्शन में नहीं डाल रखा, तो भाई गुड लक विद अंडरस्टैंडिंग दोस डायलॉग्स। अब इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं विजय बिन्नी, जो कि पहले कोरियोग्राफर हुआ करते थे और भाई इस मूवी से शायद वो अपनी डायरेक्टिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर होंगे अपने MM कीरावानी, जिन्होंने इससे पहले बाहुबली फ्रेंचाइजी और RRR को अपना म्यूजिक दिया है। एंड ये मूवी नेक्स्ट ईयर जनवरी में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा लास्ट वीक अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिला पुष्पा द राइज मूवी के लिए, जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके लिए। एंड इसी के साथ पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का एक न्यू लुक रिवील हुआ जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड साथ ही साथ उस पर 2 का जो पहला सॉन्ग है यानी कि पहला सिंगल वो बहुत जल्द ड्रॉप होने वाला है। इसके बाद प्रभास की अपकमिंग बिग बजट मूवी यानी कि कल की 2898 AD, इस मूवी की कास्ट को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है एंड वो ये है कि भाई इस मूवी की कास्ट को SS राजामौली ने ज्वाइन कर लिया है एंड इस मूवी के अंदर SS राजामौली का एक छोटा सा कैमियो भी होने वाला है। एंड अप्रोक्स 1 या 1.5 हफ्ते पहले जिस दिन अपने सुपरस्टार चिरंजीवी का जन्मदिन था उसी दिन 1 या 2 सेकंड का प्रभास का एक क्लिप रिलीज किया गया था इसी कल की मूवी से। मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोगों ने इस क्लिप को ऑलरेडी देख रखा होगा क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस क्लिप को आए। इसके बाद जवान मूवी की बात करें तो उसकी हाइप कतई स्काई रॉकेट हो रखी है। कल के दिन इसका 3rd सॉन्ग रिलीज हुआ नॉट रामैया वास्तवैया। अभी जो तीसरा वाला गाना है ये मुझे ठीक ठाक लगा, कुछ खास बुरा नहीं और कुछ खास अच्छा भी नहीं। लेकिन इसी म्यूजिक वीडियो के एंड में उन्होंने ये भी रिवील किया कि भाई 31st को यानी कि कल के दिन जवान का ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है। अब इस ट्रेलर से यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई कुछ खास रिवील ना करे और हाइप जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दे मूवी के लिए, क्योंकि वही फायदेमंद होगा। एंड इसी ट्रेलर को लेके करण जौहर ने एक स्टेटमेंट भी डाल दिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जहां उन्होंने ये कहा कि भाई आई जस्ट सॉ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी। तो उसको लेके थोड़ा बहुत टेंशन हो जाती है कि भाई आप किसी चीज को ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हो और बाद में वो चीज उतनी लेवल की ना निकले तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है और फिर हाइप आपकी जो है वो डेड हो जाएगी। खैर कल ही के दिन चेन्नई में इस मूवी का एक प्री रिलीज इवेंट होने वाला है जहां पे अपने SR के भैया भी रहेंगे, तो गुड फॉर यू गाइस लिविंग इन चेन्नई। इसके बाद अपने इंडिया की टॉप गन मूवी की बात करें यानी कि ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी फाइटर की बात करें, तो सिद्धार्थ आनंद ने रिवील किया कि इस मूवी के टीजर और ट्रेलर बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं जिसको देख के आप सबके होश उड़ जाएंगे, जिससे ये साफ पता चलता है कि भाई इनकी जो टीम है उन्होंने टीजर और ट्रेलर पे काम शुरू कर दिया है इतने जल्दी से ही। मूवी को रिलीज होने में अभी 4 महीने बाकी है तो होपफुली अपने को 1 या 1.5 महीने के अंदर इसका टीजर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस मूवी के अंदर 5 गाने भी होने वाले हैं, मतलब इस मूवी का प्रमोशनल पीरियड बहुत ज्यादा लंबा रहेगा। अब अपडेट्स और रूमर्स की बात हो चुकी है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं, जहां आज इस वीक में तो कुछ खास है नहीं लेकिन ड्रीम गर्ल 2 ने 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अभी करंटली 51 करोड़ के कलेक्शन पे है ड्रीम गर्ल 2। देखो मूवी काफी मिड थी लेकिन इसका पार्ट 1 बहुत सही था जिसकी वजह से ऑडियंस इस मूवी को देखने जा रही है एंड इसका बजट अप्रोक्स 35 करोड़ था तो फिर भी 51 करोड़ कम नहीं लगते उसके सामने। वहीं अपने सनी पाजी की गदर 2 ने 600 करोड़ टच कर लिए हैं और अब ये मूवी SRK की पठान से कॉम्पीट कर रही है। ऑल्दो इसके थिएट्रिकल रन में 1 हफ्ते का टाइम और है लेकिन इस 1 हफ्ते में उसे ड्रीम गर्ल 2 से भी कॉम्पीट करना होगा और 1 हफ्ते बाद अपनी जवान रिलीज हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो गदर 2 का कोई चांस ही नहीं है अर्निंग करने का। तो देखते हैं 1 हफ्ते के बाद भविष्य कहां लेके जाएगा। तो खैर ये तो कुछ अपडेट्स इस वीक की, और अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।